सागर मध्य प्रदेश के डुंगासरा स्थित श्री पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भव्य वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा निकालकर की गई। इस अवसर पर आयोजित हुए याग मंडल विधान में भक्तों ने सहभागिता कर मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। श्री पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर डुंगासरा सागर में 9 मई से शुरू हुए 3 दिवसीय भव्य वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम का समापन 11 मई को धूमधाम से हुआ। समापन के अवसर पर सर्वप्रथम भक्तों ने श्री जी की अभिषेक शांति धारा एवं नित्य पूजन किया। कार्यक्रम के अगले क्रम में भक्तों ने भक्ति भाव से नृत्य कर अपने भाव व्यक्त किए, जिसके उपरांत आयोजन समिति के द्वारा सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। विश्व शांति की कामना करते हुए भक्तों ने विश्व शांति महायज्ञ में आहुतियां दी। यज्ञ के उपरांत भक्तों को श्री जी की प्रतिमा नवीन वेदी में विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के अवसर पर भक्तों ने भी अपने भाव व्यक्त किए। और हम लोगों ने ये 3 दिन का जो कार्यक्रम रखा हुआ है, इस 3 दिन के कार्यक्रम में पहले दिन घट यात्रा के साथ मंडप शुद्धि वेदी शुद्धि का कार्यक्रम करवाने के बाद दूसरे दिन याग मंडल विधान किया और आज तीसरे दिन श्री जी को नवीन मंदिर पर वेदिका पर विराजमान किया और कलशारोहण किया। इसमें समस्त समाज का विशेष सहयोग रहा। ग्राम डोंगासरा में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। यह सपना हमारे जो अमित कुमार जी चौधरी परिवार और हमारे परिवार डोंगासरा परिवार श्री मुलायम चंद जी विमल चंद जी समस्त परिवार का सपना था, यह साकार हुआ है। आप देख रहे हैं जो भव्यता मंदिर में है, भूतो न भविष्यति, यह सपना साकार हमारे पिताजी का आज हुआ है। हम बहुत ही धन्य मानते हैं कि इस जन्म हुए हमारा जन्म हुआ और कहने को शब्द नहीं है, जो मन में प्रशंसा है वो शब्दों में नहीं कही जा सकती। श्री जी को वेदी में विराजमान करने का सौभाग्य बड़े ही पुण्य कर्म के बाद मिलता है, ऐसा ही सौभाग्य डुंगासरा वासियों को मिला। जैन फोकस के लिए डुंगासरा सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।